The angular difference between true north and magnetic north is known as, so what is true north and what is magnetic north. So suppose कीजिए ये हमारी अर्थ है and this point is north point. North point कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे सारे longitudes meet होते हैं, north pole कहलाता है. तो ये हो गया हमारा true north. तो फिर ये magnetic north क्या है? So as we all know कि हमारी अर्थ में से magnetic radiations भी निकलती हैं, वो south में से निकल के north में enter करते हैं, that is known as magnetic north. So problem हमारी क्यों generate हो रही है? कि मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं हैं, मुझे प्लेन मिल चुका है और मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल की तरफ. पर कैसे जाऊंगा? जब मैं नॉर्थ को फॉलो करता जाऊंगा तो मैं अपने आप आर्कटिक रीजन या नॉर्थ पोल की तरफ पहुंच जाऊंगा. आपने अपना कंपास खोला, ये आप उड़ते हुए गए, लेकिन आप पाएंगे कि आप उड़ते हुए आर्कटिक ओशन की तरफ नहीं गए, आप उससे 400 किलोमीटर दूर कनाडा की तरफ चले गए हैं. आप यहाँ पे पहुंच गए हैं. And this is known as magnetic north. So, अगर आप कंपास को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक ओशन की तरफ नहीं कनाडा की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो है वो फॉलो करती है मैग्नेटिक नॉर्थ को. एंड जो ये एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.